सभी को जय हिंद एंड वेलकम टू अवर चैनल द इनविक्टस इंजीनियर। आज हम हमारी जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स की सीरीज है उसका 9th चैप्टर करेंगे, जो है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इस चैप्टर में हम जितने भी आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उन सबको कवर करेंगे। अगर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, यानी इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे, तो आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते क्या हैं, उनके बेसिक टाइप्स इनपुट के और आउटपुट के भी, इसके अलावा जो अदर कंसेप्ट हैं आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से वो भी देखेंगे। इसके अलावा हम जो आपके प्रिंटर्स हैं, 3D प्रिंटर्स हैं, जो आपके OCR हैं, OMR हैं, सभी को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते क्या हैं, तो ऐसा मीन ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हम डाटा को आउटर वर्ल्ड से कंप्यूटर में जो है इनपुट करते हैं, वो होते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस। इन्हें बोला जाता है आपका पेरिफेरल डिवाइसेस। ये पेरिफेरल डिवाइसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो डिवाइसेस है ये आपके CPU और मेमोरी को सराउंड करते हैं, यानी जो आपका CPU है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। जो इनपुट होते हैं वो आउटर वर्ल्ड से जो है डाटा इनपुट लेता है, जो आउटपुट है वो हमें कंप्यूटर से डाटा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में प्रोवाइड करता है यूज़र को, जो हम आउटसाइड वर्ल्ड में यूज़ करते हैं इसके बाद में। अगर बात करें हम रोल जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का है, तो ये आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड से डाटा आ गया, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हमने किया इनपुट डाटा CPU और मेमोरी में, इसने किया डाटा को प्रोसेस, और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें मिला आउटपुट, जो प्रोसेस डाटा है वो हमें मिल गया हमारी एक्सेप्टेबल फॉर्म में, यानी ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में। ये बात करें सबसे पहले इसमें इनपुट डिवाइसेस की, तो इनपुट डिवाइसेस में जो आते हैं, सबसे पहले आते हैं आपके कीबोर्ड डिवाइसेस, पॉइंट एंड ड्रो डिवाइसेस, यानी कीबोर्ड आ गया, इसमें आ गया आपके माउस, जॉयस्टिक वगैरह। इसके अलावा उसके बाद आ गया आपके डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस, उसके बाद आ गया आपके डिजिटाइजर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस एंड विजन बेस्ड डिवाइसेस। सबसे पहले बात करें हम कीबोर्ड डिवाइसेस की, तो ये हमें अलाउ करते हैं डाटा को इनपुट करना थ्रू प्रेसिंग द सेट ऑफ कीज, यानी कीज की प्रेसिंग के थ्रू, कीज के थ्रू हम डाटा को एंटर कर सकते हैं। जैसे आपका जो इतना भी काम है कीबोर्ड का इनपुट का, वो कीबोर्ड के थ्रू होता है। जैसे आपने अल्फाबेट्स इनपुट करने हो, या जो आपके डिजिट्स हैं वो करने हो, या आपके स्पेशल सिंबल्स हैं वो इनपुट करने हो, वो होता है आपका कीबोर्ड के थ्रू। जो सबसे मेजर, जो सबसे ज़्यादा यूज्ड कीबोर्ड है वो है आपका 101 कीज क्वालिटी कीबोर्ड। तो जो ये 101 कीज है ये डिफ़ॉल्ट होती हैं, इसके बाद जो है इसमें अप टू 118 आपकी कीज हो सकती हैं स्पेसिफिक यूज के हिसाब से। ये अगर इसका हम बेसिक लेआउट देखें, ये आ गया आपका कीबोर्ड, ये आ गया आपके एस्केप की, तो 12 होती हैं इसमें आपकी फंक्शन कीज, ये आ गया आपका प्रिंट स्क्रीन, स्क्रोल कीज आ गई, ये जो है आपकी नोटिफिकेशन बार आ गई, यानी जो इस पे जो है आपको लाइट ब्लिंक करेगी आपका कैप्स लॉक या नम लॉक या स्क्रॉल लॉक आपका ऑन है या ऑफ है। ये आगे आपके जो स्पेशल सिंबल्स हैं और नंबर्स आ गए, ये बैक स्पेस आ गई, टैब की आ गई, कैप्स लॉक, शिफ्ट, और जो शिफ्ट और कंट्रोल हैं आपकी, और जो अल्टर हैं ये होती हैं दोनों साइड पे, जो है एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये आगे आपके क्वालिटी की पैड, QWERTY UIOP ASDF GH JKL, या गया आपका ZXCVBNN। इसके बाद पेरेंथेसिस आ गई, आपके कोमाज, इन्वर्टेड कोमा आ गए, जो आपके कोलन और सेमी कोलन है, ब्रैकेट्स आ गई, एंटर आ गई। फिर आ गया आपके वर्ड प्रोसेसिंग कीज, यानी जो आपके पेजेस हैं उसकी वर्किंग के लिए इंसर्ट करना है आपको, पेज अप जाना है, डाउन जाना है। ये आ गया आपकी चार बेसिक जो आपकी एरो कीज है, अप डाउन लेफ्ट और राइट। ये आ गया आपका न्यूमेरिक कीपैड, इसमें जो है वो 0 to 9 आपके डिजिट होंगे। इसके अलावा जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है आपके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो होते हैं, और यहाँ पे एक एंटर भी प्रोवाइड होता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट एंड ड्रो डिवाइसेस की, तो इसमें जो मेनली आता है आपका वो आता है माउस। तो अगर बात करें इसमें, तो ये यूज़ करते हैं आपका GUI, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी जो है इसके थ्रू हम किसी भी कंप्यूटर के ऊपर किसी भी आइकन को जो है पॉइंट करके उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप माई कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है,
उसके ऊपर जो है पॉइंटर को लेके जाएंगे और क्लिक करेंगे तो उसके थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ग्राफिकल लाइंस, जैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ माउस का, तो ग्राफिकल लाइंस बना सकते हैं, सिंबल्स बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। इसमें आते हैं आपके माउस आ गया, आपके ट्रैक बॉल आ गए, जोस्टिक आ गई आपकी, लाइट पेन और टच स्क्रीन, ये आ गया आपके पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। सबसे पहले अगर हम बात करें माउस की, तो माउस है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे पॉपुलर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। ये जो आपका पॉइंटिंग डिवाइस में भी आता है और बेसिकली आता है आपका इनपुट डिवाइस में। जो माउस है ये आपका जो है कंफर्टेबली आपके जो पाम है, हथेली है, उसके नीचे आ जाता है। और इसके नीचे अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, जो प्रीवियस था उसमें एक छोटी सी बॉल बेयरिंग होती थी और वो जिस तरह से आपकी मूवमेंट करेगी उसी बेस पे आपका जो कर्सर है वो मूव करता था। तो इसके टाइप्स के बारे में हम आगे देखेंगे। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है कि जिस तरह से हम जिस डायरेक्शन में है, जिस स्पीड से हम माउस को हिलाएंगे, सेम स्पीड से आपका जो कर्सर है या सेम डायरेक्शन में आपका कर्सर स्क्रीन के ऊपर मूव करता है। तो उसके जो आगे सिंबल्स बनते हैं उनको बोला जाता है ग्राफिक कर्सर। जैसे कई जगह एरो बनता है, कई जगह आपका ये ऐसे बनेगा, आई करके शेप बनेगा, कई जगह जो है आपका प्लस सिंबल बनता है, तो वो डिफरेंट टाइप के कर्सर्स के हैं। तो आगे बात करें इसमें, तो जो ये आपका डिजाइन बनता है, कर्सर बनता है स्क्रीन के ऊपर, उसको बोला जाता है हॉटस्पॉट। यानी मैंने किसी को सिलेक्ट किया तो उसके चारों तरफ जो है एक डॉटेड लाइन आ जाती है आपकी, तो उसको बोला जाता है आपका हॉट स्पॉट। यहाँ आप देख सकते हैं माउस का जो बेसिक आपकी इमेज है, ये आपके क्लिक बटन आ गए, ये आ गया आपकी स्क्रोल बार, ये राइट और लेफ्ट बटन। इसमें सबसे पहले आते हैं अगर टाइप ऑफ माउस की बात करें तो मैकेनिकल माउस, यानी जो है इसमें कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है जिसकी यूज में है, यहाँ पे यूज नहीं किया गया, यहाँ पे यूज की होती है आपकी एक बॉल बेयरिंग। यानी सिंपली बोलूँ तो ये बॉल है और जिस तरह ये जो है ओपोजिट रखा जाता है, इसको उल्टा रखा जाता है, और जैसे हम माउस को हिलाएंगे तो ये बॉल की मूवमेंट होगी, तो सेम वे में जो है आपका स्क्रीन के ऊपर आपका कर्सर वर्क करता है। आगे आते हैं आपके ऑप्टिकल डिवाइस, यानी इसमें जो है आपका बॉल बेयरिंग को रिप्लेस कर दिया गया है। इसमें होता है आपका फोटो डिटेक्टर, यानी सेंसर, अगर हम सीधी भाषा में, तो इसमें जो है सेंसर लगे होते हैं और सेंसर के थ्रू जो फोटो डिटेक्टर सेंसर हैं उनके थ्रू जो है हम जिस तरह से माउस की मूवमेंट करेंगे सेम वे में आपकी स्क्रीन के ऊपर माउस की कर्सर की मूवमेंट होगी। तो जो आपके माउस हैं वो होते हैं आपके 1, 2 और 3 बटन माउस होते हैं। तो इसमें एक बटन का भी हो सकता है, दो, बेसिकली जो 2 बटन माउस है वो यूज़ होता है और एक होती है आपकी उसके साथ स्क्रॉल बार। तो अगर बात करें इसमें, तो जो आपका राइट बटन है वो यूज़ होता है एज ए ऑप्शंस, यानी उसके ऑप्शन निकालने के लिए, किसी भी चीज़ के अदर फंक्शन निकालने के लिए, जबकि जो आपका राइट बटन है वो एज ए ओके क्लिक वर्क करता है। जो है मेन, जो आपका मेन बटन होता है वो होता है आपका लेफ्ट बटन। अगर इसमें बात करें तो नेक्स्ट आते हैं आपके सीरियल एंड बस माउस, यानी इसमें जो है आपका जो कनेक्शन थ्रू होगा वो होगा आपका सीरियल पोर्ट के थ्रू। जो माउस है वो एक, उसको जो है स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कार्ड उसमें इंसर्ट करता है जो कंप्यूटर को जो है आपका माउस से कनेक्ट करेगा। बात करें आपके, एक होते हैं आपके वायर्ड या, और दूसरे होते हैं कॉर्डलेस, यानी वायर्ड यानी जो यूएसबी के थ्रू आपके कनेक्ट होंगे, और दूसरे आ गए आपके कॉर्डलेस यानी जो वाईफाई या ब्लूटूथ के थ्रू आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट आते हैं आपकी ट्रैक बॉल, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो ये बेसिकली सेम है आपका माउस जैसा। बेसिकली क्या है, जैसे माउस में आपका जो रोलर था वो नीचे होता था आपके, इसमें जो है उसको टॉप पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसमें जो हम डायरेक्टली जो है माउस को ना हिलाकर जो रोलर है आपका उसको मूवमेंट देते हैं, तो उसकी हेल्प से जो है आप कर्सर को चला सकते हैं, उसी सेम वे में आपका कर्सर भी मूव करेगा। तो ये प्रेफर्ड होते हैं आपके जो कैड और कैम डिजाइन है, यानी जो कैलकुलेटर एडेड डिजाइन है आपके, उसमें कंप्यूटर एडेड डिजाइन है उसमें यूज होते हैं आपके डिजाइनिंग में। ये आप देख सकते हैं ट्रैक बॉल, ये आपकी बॉल है, इसको आप जिस तरह से आप रोटेट करेंगे सेम वे में आपका कर्सर मूव करेगा। ये आगे इसके राइट और लेफ्ट, लेफ्ट और राइट बटन। नेक्स्ट आपका जोस्टिक, जोस्टिक भी एक आपका पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइसेस है, ये भी आपका ट्रैक बॉल की तरह ही वर्क करता है।
सिंपली क्या है, जो आपका ऊपर बोल दिया था उसकी जगह पे एक उसके साथ एक स्टिक अटैच्ड कर दिया, ताकि जो है इजीली हम उसको होल्ड कर सकें और इजीली उसको मूव कर सकें। इसमें जो है मेनली आपके फंक्शन होते हैं आपके लेफ्ट लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो ये चार फंक्शन मेनली। इसके अलावा जो है सर्कुलर मोशन भी इसमें प्रोवाइड होता है। जो स्टिक है वो उसमें यूज होता है आपका पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर यूज होता है एज ए सेंसिंग डिवाइस जो बॉल की मूवमेंट को कैप्चर करता है। तो इसमें भी सेम वर्किंग प्रोसीजर है आपका, एक बटन होता है इसके टॉप में जो हमें किसी भी चीज़ को एज ए ओके बटन ले सकते हैं आप, उसको किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके उसको ओपन करने के काम आता है या पॉइंट करने के काम आता है। देखते हैं आप मेनली जॉयस्टिक का जो डायग्राम है, ये आगे आपके क्लिक बटन, ये स्टिक आगे, ये सॉकेट है यानी यहाँ पे आपका जो है रोलर होगा, और ये आगे आपके लाइट इंडिकेटर। नेक्स्ट आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक पेन, तो ये भी आपके इनपुट डिवाइसेज है और पॉइंटिंग डिवाइसेज है। तो सबसे पहले इसमें आता है एक लाइट पेन, बेसिकली एक पेन होगा पेन शेप्ड के, इसमें जो एक्चुअली जो होता है एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है और उसके साथ लगा होता है एक ऑप्टिकल लेंस। ये वर्क करता है आपका लाइट एमिटिंग प्रोसेस के ऊपर, इसके इससे जो भी आपकी लाइट एमिट होगी वो मॉनिटर की डिस्प्ले के ऊपर पड़ेगी, और जो मॉनिटर की जो लाइट है, जो मॉनिटर है वो उसका जो इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स है वो उसको ट्रांसमिट करेगा और आपको प्रोसेस करेगा आगे, यानी कि जिस जगह पे आप जो है लाइट को पॉइंट कर रहे हैं वो उस पोर्शन को सिलेक्ट कर देगा आपका। तो जो पेन है उसमें एज ओके बटन आपका एक फिंगर ऑपरेटेड बटन भी होता है। बात करें यहाँ नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग पेन विद पैड, इसमें जो है आपको एक राइटिंग पेन होगा और एक पैड होगा, सेम भी जैसे एक टैबलेट होती है। इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉनिक पेन आ गया और एक स्पेशल टाइप का राइटिंग पैड, यानी आप जो भी उस राइटिंग पैड के ऊपर लिखेंगे वो सेम आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लिख सकते हैं। इसमें जो है बेसिकली आपका एक हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि आप जो हो एग्जैक्टली जैसा कंप्यूटर लिखता है सेम हैंड राइटिंग में नहीं लिख सकते, तो इसमें यूज़ होता है आपका हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आती है आपकी टच स्क्रीन, जो मोस्ट पॉपुलर आपका इनपुट डिवाइस है, सबसे सिंपल है, सबसे एडवांस्ड है और सबसे इजीएस्ट है। इसमें आपको किसी चीज़ को पॉइंट नहीं करना है, उसके ऊपर क्लिक डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है, किसी बटन की जरूरत नहीं है। इसमें आप सिंपली जो है स्क्रीन के ऊपर जो है टच करके किसी भी पॉइंट को किसी भी जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका यूज़ होता है वो है आपका इंफॉर्मेशन कियोस्क, यानी अनअटेंडेड इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ होता है, सेम वे जैसे जो है आपका जैसे एटीएम हो गया, आप कहीं पैसे निकालने जाते हैं एटीएम हो गया, या बैंकिंग में आप जो पासबुक वगैरह प्रिंट करते हैं उस सब में ये यूज़ होता है। आगे अगर हम डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस की बात करें तो ये आते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस में। ये बेसिकली इनका काम क्या है, जो भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो हार्ड कॉपी में है उसको आप एक सॉफ्ट कॉपी में यानी एडिटेबल फॉर्म में आप उसको स्कैन करके, या फिर बात करें कि जो आपके पास है हार्ड कॉपी है कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट है कोई भी पेज है, तो उसको आप डिजिटली कंप्यूटर में उसको स्कैन करके आप ले सकते हैं ताकि उसको फर्दर प्रोसेसिंग कर सकें। तो इसमें जो है एडिटेबल नहीं बनती है लेकिन जो है उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। ये बात करें तो इससे जो है आपकी एलिमिनेट हो जाती है नीड, यानी कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है कोई लेटर है तो उसको आपको पूरा दोबारा से टाइप करना नहीं पड़ेगा। इसमें जो है डाटा एंट्री का जितना भी आपका एफर्ट था उसको कम कर दिया, वो जो है इससे जो है आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हाई क्वालिटी में आपकी इनपुट हो जाती हैं। और कुछ एक जो आपके स्कैनिंग डिवाइसेज हैं उसके थ्रू आपके जो है वो स्पीच रिकॉग्निशन करके, या बात करें तो जो आपके वो आपके जितने भी आपके करेक्टर्स हैं यानी उसको जो है एडिटेबल फॉर्म में भी आपके कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने कोई लेटर किया तो उसको वो वर्ड फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर देगा जिसमें आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। अगर बात करें तो इसमें जो है एक स्पेसिफिक डिजाइन और इंक स्पेसिफिकेशन जो है वो और ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी से आप कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें सबसे पहले आते हैं आपके इमेज स्कैनर, यानी ऐसे इनपुट डिवाइस जो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को पेपर को एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज में या एक इमेज फॉर्मेट में स्कैन करके कंप्यूटर में सेव कर लें, सेम जैसे आपका कंप्यूटर का स्कैनर होता है या प्रिंटर का स्कैनर होता है जो है उसको जो है एक बिट मैप रिप्रेजेंटेशन में सेव करता है। उसके बाद जो इमेज है उसको आप जो है
सेव कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसमें अल्टर कर सकते हैं, क्रोप कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस, जितने भी आपके उसके टूल्स हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इसमें तो इमेज स्कैनर में आते हैं आपके, एक तो फ्लैट वेड स्कैनर जो आपका कंप्यूटर में, सॉरी आपके प्रिंटर में मेनली होता है, दूसरा होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। इसमें जो है आपका जो प्रिंट है यानी जो कॉपी है उसको इसके ऊपर रखना होता है। तो इस केस में जो है आपका पेज नीचे रहेगा, पेज के ऊपर से इसको एक डायरेक्शन से दूसरे कॉर्नर तक इसको स्कैन करते जाएंगे और आपकी जो है इमेज स्कैन हो जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR, जो सबसे इसमें एडवांस्ड अभी का टेक्नोलॉजी है। इसमें जो OCR टेक्नोलॉजी के जो आपके स्कैनर्स हैं वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसको जो है आपके एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपकी जो जितनी भी बिट वेजेस हैं उनको जो है ASCII कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इनमें जो है हम उनकी आपकी एडिटेबल आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप बना सकते हैं, यानी उसके टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हैं, उसको जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में स्कैन करने के लिए आ गया आपका OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। इसकी जो एक आपकी लिमिटेशन है वो ये है कि ये जो है हर एक उसमें यानी हर एक राइटिंग को, जैसे आपकी हैंड राइटिंग होगी तो उसको ज़्यादा स्कैन नहीं कर पाता है। तो ये कुछ एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं आपके लिखे हुए उसी को स्कैन कर सकता है। इसके दो स्टैंडर्ड हैं आपके OCRA जो है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड, OCRB है आपका यूरोपियन स्टैंडर्ड। कोई भी आपकी इमेज है, PDF है या स्कैन डॉक्यूमेंट है तो उसको OCR के थ्रू आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने सभी ने सुना होगा जो आपकी OMR शीट्स होती हैं, जितने भी एग्जामिनेशन है आपके कम्पिटेटिव या कोई भी, उसमें यूज होती हैं आपकी OMR शीट्स, होती हैं आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसमें जो है स्कैनर जो होता है वो एक स्पेसिफिक जो मार्क है, जैसे आपने कोई राउंड किया है सर्कल या स्क्वेयर किया है तो उसको कैच करता है, उसको स्कैन करता है और उसके बेस पे आपका डिसीजन लेगा कि ये राइट है या रॉन्ग है। इसका यूज होता है आपका टेस्ट में, जो ग्रेडिंग टेस्ट है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो इसमें जो है एक बेसिकली एक लाइट जो है वो पेज के ऊपर आपकी फोकस की जाती है और वो जो है उस पेज के ऊपर जितने भी आपके पैटर्न्स हैं उस सबको स्कैन करेगा और उस बेसिस पे आपका रिजल्ट आपका बनाएगा। इसके सैंपल की बात करें तो जैसे ये है आपका क्वेश्चन आया है, जैसे द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 4, तो वो होता है आपका 100। जैसे आपने मार्क किया है इधर डी, तो ये OMR शीट के ऊपर आपको जो है OMR शीट के ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनके आगे चार राउंड दिए होंगे, उसमें से आपको जो है किसी को मार्क करना होता है। तो आप जो है इसके ऊपर होंगे तो जैसे आपने इसको मार्क किया तो इसको स्कैन करेगा और जो आपकी प्री प्रिंटेड आंसर शीट है, जो आपकी उसकी मतलब आंसर की है आपकी डिफॉल्ट आंसर शीट है, उसके साथ मैच करेगा। जितने भी आपके सिंबल जो हैं या आपके मार्क्स हैं वो मैच होंगे, मतलब उतने आपके क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट आता है आपका बार कोड रीडर। बार कोड रीडर का यूज होता है आपका डिकोडिंग में जो भी आपके बार कोडेड डाटा है, यानी डाटा को है एक बार्स की फॉर्म में, बार्स की बात करें तो एक आपके आगे वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में उसको सेव कर दिया, उसको जो है बनाया जाता है किसी भी बार कोड को, तो फिर उसको आप स्कैन कर सकते हैं बार कोड रीडर के थ्रू। इसमें बेसिकली जो आपकी बार्स होती हैं जिनकी विड्थ और जो आपकी लेंथ है वो वेरी करती है, और जिसमें स्कैनर है वो यूज़ करते हैं आपकी लेज़र बीम टेक्नोलॉजी उस जो आपका पैटर्न है उसको रीड करने के लिए। जितने भी आपके जो हैं बार्स हैं वो जितना आपका लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगी उसको आपका डिटेक्ट करेगा या रिसीव करेगा आपका लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर और उस बेस पे आपको रिजल्ट देगा। इसमें बात करें हम सबसे ज़्यादा जो यूज आपका बार कोड रीडर है वो आपका UPC यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बार कोड रीडर, ये सबसे एडवांस सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आपका बार कोडिंग सिस्टम है। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये है आपका UPC बार कोड। जैसे आगे इसमें जो पहले 5 डिजिट हैं आपके वो डिफाइन करते हैं आपके मैन्युफैक्चरर या जो सप्लायर है उसके नंबर को, और जो आगे के 5 हैं वो प्रोडक्ट के नंबर को या प्रोडक्ट की डिटेल्स कंटेन करते हैं। बेसिकली इसमें 0 होता है आपका ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के लिए और 3 होता है आपका ड्रग्स हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए। ये है, ये आ गया आपका बार कोड, इसको रीड करेगा आपका बार कोड रीडर।
नेक्स्ट आता है इसमें एक आपका MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपका जो है बैंकिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो आपके चेक्स हैं उनमें यूज होता है। इसमें जो है आपका बेसिकली जो आपका चेक नंबर है वो आपका प्री प्रिंटेड होता है एक स्पेशल टाइप की इंक से, जो होती है आपकी मैग्नेटाइजेबल, जो आपका आयरन ऑक्साइड है उसकी इंक होती है। जो MICR है वो उसको जो है रीड कर लेगा, जो भी आपका मैग्नेटाइजेबल जो आपने मैग्नेटिक मटेरियल से जो भी डाटा लिखा है, इससे जो है आपके जितने भी मल्टीपल चेक्स जो है मतलब बहुत ही जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं। अगर बात करें इसमें फ़ॉन्ट की, तो इसमें एक ही फ़ॉन्ट यूज होता है, वो है आपका E13B फ़ॉन्ट। इसमें आपके 10 आगे आपके टोटल नंबर्स 0 से 9, और इसके अलावा आपके जो है 4 होते हैं स्पेशल सिंबल्स। इससे इतने ही, ये जो MICR है वो सिर्फ सपोर्ट करता है आपके 14 सिंबल्स को, 0 to 9 आ गए आपके नंबर्स और 4 आ गए आपके स्पेशल कैरेक्टर। नेक्स्ट आता है इसमें डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या है? बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है, एक बात करें एक ड्राइंग डिवाइस है, जो आपकी जितनी भी आपकी इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, मैप्स हैं, ड्राइंग्स हैं, उनको आपका डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अगर बात करें इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स की, तो जैसे एक सेम टैब होता है उसके जैसा होगा, तो उसके ऊपर जो है किसी भी आप जो है हूबहू उसकी कोई भी आपकी इमेज है या मैप है तो उसकी एक आप नकल उतार देंगे और सेम जो है आपके कंप्यूटर में वो सेव हो जाएगी या उसमें उतर आएगी आपके कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो इसका बेसिक यूज है वो होता है आपका कैड सॉफ्टवेयर में, यानी कंप्यूटर एडिटेड डिजाइन में। जो भी डिजाइनर हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, या कोई मैकेनिकल पार्ट्स हैं या रोबोट्स हैं, तो वो सब यूज़ करते हैं आपका कैड। फिर बात करें इसमें इसका जो है GIS में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो भी आपके डिजिटाइजिंग मैप्स हैं आप डिजिटाइजर जो है उसको देख सकते हैं। ये आ गया आपका टैब, इतने आगे आपका टॉप इसका, ये कर्सर आ गया यानी माउस आ गया इसका, ये स्टाइलस हो गया। ये जिस पेन से जो है हम डिजिटाइजर के ऊपर कोई भी ड्रॉ करते हैं उसको कहा जाता है आपका स्टाइलस। और ये आ गया डिजिटाइजिंग टैबलेट। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर है वो छोटे से आपके प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं, जिनके ऊपर डाटा आपका कोडेड होगा, और उसको जो है आप कहीं पे भी मशीन में या कहीं पे इंसर्ट करेंगे तो वो उसको रीड करेगा। बेसिक बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा रीडर आ गया आपके ATMs। क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर है वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, जो भी स्पेशल इनकोडिंग होगी उसको रीड करेगा और उस बेसिस पे आपको आगे प्रोसेस देगा। जैसे यूज़ की बात करें तो सबसे पहले आ गया आपका ATM। नेक्स्ट आते हैं आपके स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेज, यानी ऐसे डिवाइसेज जो स्पीच यानी जो भी आप बोलेंगे उसको रिकॉग्नाइज कर सकें और जो है उसका रिप्लाई दे सकें। ये इनपुट डिवाइसेज होते हैं जो एक पर्सन को अलाउ करते हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए, यानी अपना इनपुट आप सिंपली बोलकर दे सकते हैं। जैसे आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं, जैसे सीरी आ गया, ओके गूगल आ गया, ये सब जो है आपके जितने भी हैं ये स्पीच रिकॉग्निशन के ऊपर वर्क करते हैं। या बात करें आप यूट्यूब पे, आप सिंपली जो है उसका ऑडियो का बटन को ऑन करके उसमें आप बोल सकते हैं, तो वही चीज़ आपकी सर्च हो जाती है। आगे बात करें तो नेक्स्ट अगर टाइप की बात करें स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में, एक होता है सिंगल वर्ड रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी इसमें आप सिंगल वर्ड बोल सकते हैं। जैसे आपने कमांड दी कि यस नो मूव स्टॉप, तो ये सब जो है एक्सेप्ट करेगा। ये बेसिकली जो आपके स्पीकर्स आते हैं ब्लूटूथ के, उसमें वर्क करता है कि स्टॉप तो स्टॉप, म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा, आपने बोला कि आगे स्टार्ट करो तो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होते हैं आपके कंटिन्यूस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, जैसे आपके गूगल हो गया या यूट्यूब में आप यूज़ करते हैं, आ गया मूव टू द नेक्स्ट ब्लॉक या कोई भी उसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके विजन इनपुट सिस्टम। इसमें आप इनपुट सिंपली जो है विजुअल एक्सप्रेशन से या एक ऑब्जेक्ट से को देखकर ही आपका इनपुट ले लेता है कंप्यूटर। यूज़ की बात करें तो इसमें मेनली आते हैं आपके रोबोट्स, जो किसी फैक्ट्री वगैरह में वर्क कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को देख के उसको स्कैन करके जो है उनको आगे कमांड जाती है। जैसे किसी बॉक्स को उठाना है तो कमांड जाएगी विजन इनपुट के थ्रू कि इसको काम करना है। सेकंडली अगर इसमें बात करें तो एक इसमें हम ले सकते हैं जो आपका सेल फोन्स में जो आपका फेस रिकॉग्निशन होता है, यानी वो आपके फेस को देख के ही पासवर्ड को ऑटोमेटिकली अनलॉक कर देगा। नेक्स्ट आते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस।
आउटपुट डिवाइसेज में अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं आपके मोनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पीकर, हेडफोन्स, आपके साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, आपको जो GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आपके प्रोजेक्टर हैं और जो आपके वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है। पीछे हमने पढ़ा वॉइस जो है रिकॉग्निशन, यानी वॉइस जो हमने इनपुट की, इसमें जो है आउटपुट की बात करेंगे, जो वॉइस जो है आपको आउटपुट देते हैं कंप्यूटर के थ्रू। अगर बात करें आउटपुट की तो एक होता है आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक होता है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट। इसमें जो है आपका जो है किसी भी पेपर के ऊपर कोई भी प्रिंट नहीं होता है। ये जो सॉफ्ट कॉपी यानी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, और ये आपका टेम्परेरी इन नेचर, मतलब आप इसको स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये आपके पास परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है। बात करें हार्ड कॉपी की तो किसी भी पेपर के ऊपर या प्रिंटर के थ्रू आपने प्रिंट लेके किसी फाइल को रख लिया है, वो आती है आपकी हार्ड कॉपी। अगर बात करें सबसे पहले मॉनिटर्स की, तो मॉनिटर जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिनका काम है जो सॉफ्ट कॉपी आप आउटपुट है उसको शो करना है या उसको प्रोड्यूस करना। तो बेसिकली आपका जैसे टेलीविजन है, सेम टेलीविजन स्क्रीन की तरह आपको आउटपुट शो करेंगे। तो जो आपका मॉनिटर होता है, जो भी आपका कीबोर्ड के साथ एसोसिएटेड होता है, उसे बोलते हैं आप VDT, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। बेसिकली ये जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट इनपुट आउटपुट या आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर की बात करें, ये आ गया आपका मॉनिटर और कीबोर्ड आ गया। इन दोनों को कलेक्टिवली इनपुट आउटपुट दोनों में आ जाते हैं। जब कलेक्टिवली बात करें तो वो आता है आपका वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल में आपके दो कंपोनेंट्स आ गए। बात करें इसके टाइप्स की, तो सबसे पहले आता है इसमें CRT यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जो पुराने आपके टेलीविजन थे यानी बहुत बड़े साइज के थे और नॉन पोर्टेबल, यानी आसानी से आप इनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट आया आपके LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये होते हैं आपके फ्लैट पैनल मॉनिटर, जो बहुत ही लाइटर होते हैं, थिनर होते हैं और पोर्टेबल होते हैं, और आसानी से जो है ना तो खराब होते हैं ना ही टूटते हैं, और जगह भी आपके कम लेते हैं। या कि आपके CRT मॉनिटर या कि आपके LCD मॉनिटर। नेक्स्ट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका प्रिंटर्स। बात करें हम प्रिंटर्स की, तो किसी भी चीज़ का हार्ड कॉपी लेने के लिए हम यूज़ करते हैं आपका प्रिंटर। इसमें अगर टाइप्स की बात करें तो प्रिंटर सबसे पहले आपका डिवाइडेशन है वो है इनके वर्किंग के ऊपर, इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट, जिसमें जो है आपका इंपैक्ट यानी कि कोई आप उसके ऊपर लोड लगाकर या कोई स्ट्राइकिंग के थ्रू प्रिंट ले रहे हैं तो वो हो गया आपका इंपैक्ट, जिसमें आप कोई भी एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, वो हो गया आपके नॉन इंपैक्ट। जो इंपैक्ट है उसमें आते हैं पहले आपके करेक्टर प्रिंटर, यानी वो एक करेक्टर को, जैसे ए है तो इसको है सिंपली लिखेंगे, या फिर जो है एक जो आपका वर्ड है ANDE उसको लिखेंगे। फिर आते हैं आपके लाइन प्रिंटर, यानी एक पूरी लाइन को एक बार में प्रिंट कर सकते हैं। और अगर इसमें बात करें तो इसमें आते हैं आपके लाइन प्रिंटर, और जो आपके लेज़र प्रिंटर हैं ये होते हैं आपके पेज प्रिंटर, यानी जो है एक पूरे पेज को ये एक बार में प्रिंट कर देते हैं। तो करेक्टर में आ गया आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन में आ गया आपके ड्रम, चेन और बैंड प्रिंटर्स। बात करें नॉन इंपैक्ट में से आगे आपके इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर्स। इसके जो है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, अलग अलग एप्सन हो गया आपका, HP हो गया, बहुत सारे मैन्युफैक्चर, तो अलग अलग जो है आपका 3-in-1 जो है ऑल इन वन प्रिंटर्स हैं, आपके फोटो प्रिंटर्स हैं या जो आपके थर्मल प्रिंटर्स हैं वो सब प्रोवाइड करते हैं। इसमें से जो भी हम मेन जो आपके प्रिंटर्स हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले बात करें आपका डॉट मैट्रिक्स। इसमें डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका जितने भी करेक्टर्स हैं वो आपके जो आपके प्रिंट होते हैं वो बेसिकली जो इन छोटे छोटे जो आपकी पिन्स हैं उनकी स्ट्राइकिंग के थ्रू वर्क करते हैं। तो अगर बात करें तो इसमें जो है बहुत ही जल्दी ये प्रिंटिंग करता है, और मल्टीपल कॉपीज आप किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। स्पीड थोड़ी सी कम होती है 30 से 600 करेक्टर पर सेकंड, लेकिन ये सबसे सस्ता पड़ता है कॉस्ट और ऑपरेशंस। ये आप देख सकते हैं इसमें जो डॉट्स हैं, डॉट्स के थ्रू आप जो है A to Z और जो आपके नंबर्स हैं सिंबल्स हैं इनको बना सकते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम आगे देखते हैं। तो ये आ गया आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बेसिकली ये आ गया आपकी प्रिंट हेड या
पिन्स बात करें तो ये इनकी मूवमेंट की डायरेक्शन है। इसके बाद एक आपकी इंक रिबन होगी और उसके पीछे होगा आपका पेपर। जो पिन है उसकी शेप आप जो है जो भी आपको प्रिंट करना है, सपोज आपको एफ प्रिंट करना है तो पिन की शेप जो है आप एफ के जैसी जैसे इधर बनी हुई है ये चलती है आपकी 5x7 मैट्रिक्स में, यानी 7 पिन्स मैक्सिमम ऊपर को हो सकती हैं और 5 पिन्स आपकी लेफ्ट राइट को हो सकती हैं। तो पिन से ये शेप बनेगी, उसके बाद पिन जो होगी आपकी स्ट्राइक करेगी पेज के ऊपर और सेंटर में बीच में आपका इंक रिबन जो होगा उसके थ्रू आपकी इंक जो होगी इन पिन्स के ऊपर लग जाएगी और वहाँ पे पीछे आपका जो भी आपको करेक्टर या जो भी आपको अल्फाबेट प्रिंट करना है वो आपका प्रिंट हो जाएगा ऐसे डॉटेड फॉर्मेट में। आगे तो इसकी अगर हम देखें तो ये होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर इसके यूज़ की बात करें तो जो बैंकिंग में है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है क्योंकि ये सबसे सस्ता पड़ता है। जो आपके बिल काटने वाले आते हैं घर में या जो आपका जो टिकट जो आपके कंडक्टर के पास होते हैं वो सभी आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में आते हैं। बात करें इसमें ड्रम प्रिंटर्स की तो ये भी जो है आपका एक लाइन प्रिंटर है, जो पीछे था आपका ये था आपका रेक्टल प्रिंटर। इसमें जो एक सॉलिड सिलेंड्रिकल आपका ड्रम होगा उसके ऊपर आपके जितने भी अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी वो उसके ऊपर जो आपके उभरे हुए होंगे और जब उनके बीच में आप इंक रिबन को रखेंगे और पीछे पेपर रखेंगे और उसको जब उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो वो सारे अक्षर जो है पेपर के ऊपर आपके उभर आते हैं या उसके ऊपर प्रिंट हो जाते हैं। तो आगे बात करें इसकी स्पीड की तो वो होती है आपकी 300 से 2000 लाइंस पर मिनट। बेसिकली ये होते हैं आपके मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड व्हाइट में वर्क करते हैं। पीछे थे आपके डॉट मैट्रिक्स वो भी आपके सिंगल कलर्स इंक में वर्क करते हैं, ब्लू ले लो या फिर आप ब्लैक इंक ले लो। बात करें प्रिंटिंग मैकेनिज्म की ड्रम प्रिंटर की तो ये आ गया आपका ड्रम, इसके ऊपर ये आपके अल्फाबेट्स प्रिंटेड हैं, इसके ऊपर आएगी आपकी इंक रिबन, उसके ऊपर आएगा आपका पेपर और ये आगे आपके स्ट्राइकिंग हैमर। तो ये जो है इसके ऊपर जब हैमर स्ट्राइक करेंगे और इसके नीचे आपका रिक्वायर्ड जो भी आपको चाहिए हैं अल्फाबेट्स वो होंगे तो आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। सेम वर्किंग प्रिंसिपल है आपका चेन या बैंड प्रिंटर्स का, ये भी आपके हैं लाइन प्रिंटर्स। बेसिकली उसमें एक ड्रम था, इसमें एक जो है आपकी चेन लेंगे, चेन के ऊपर क्या होंगे आपके जो भी अल्फाबेट्स हैं वो आपके उसके ऊपर उकेरे हुए होते हैं। तो अगर बात करें इसमें हम ये देख सकते हैं आप, ये आगे आपकी चेन, इसके ऊपर जो है आपके करेक्टर्स के सेट होंगे, ये आगे आपका हैमर्स और इसके बीच में आ गया पेपर और इंक रिबन। सेम इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है। याद रखने वाला ये है कि एक सेक्शन में आपके 48 करेक्टर्स होते हैं और जो अगर बात करें हैमर में तो उसके 132 आपकी प्रिंट पोजिशंस हैं। स्पीड की बात करें वो है आपकी 400 से 3000 लाइंस पर मिनट। ये भी आपका मोनोक्रोम यूज होता है। इसके लिए इन प्रिंटर्स में जो है हम ग्राफिक्स जो है आपके जैसे आप नॉर्मल अल्फाबेट्स और नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि आपको किसी की इमेज प्रिंट करनी है तो वो इसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आगे बात करें नेक्स्ट, इसीलिए इसको ओवरकम करने के लिए आगे इंकजेट जो आते हैं आपके नॉन इंपैक्ट में। जैसे कि नाम बता रहा है इसमें जो आपका है कोई भी आपका हैमर से कोई भी उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं होगा, तो ये वर्क करते हैं आपके स्प्रेइंग इंक से एक नोजल के थ्रू। या बात करें तो उसमें एक्चुअली प्रिंट हेड में आपकी 64 टाइनी नोजल्स होती हैं जो आपकी जो है जो हीटेड जो इंक है उसको स्प्रे करती हैं आपकी पेपर के ऊपर और उसके थ्रू इसमें होती है प्रिंटिंग। इसमें जो है ये बहुत ही अच्छा है आपका किसी भी जो आपकी फ़ोटोज़ प्रिंट करनी है, आपकी किसी तरह के ग्राफिक्स हैं चार्ट्स हैं उस सब के लिए सबसे अच्छा होता है आपका इंकजेट प्रिंटर। ये आता आपका नॉन इंपैक्ट में तो इसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर दोनों ले सकते हैं। ये थोड़ा सा स्लो होता है, इसमें 40 से 300 करेक्टर्स पर सेकंड आप प्रिंट कर सकते हैं और आपका सबसे इनमें बात करें सबसे एक्सपेंसिव होता है आपका इंकजेट प्रिंटर। ये देखते हैं आप इंकजेट प्रिंटर का एग्जांपल। इसमें बेसिकली क्या है स्प्रे नोजल से आप जो है स्प्रे करके जो है कोई भी प्रिंट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे फास्ट या बात करें अभी के टाइम पे सबसे एडवांस्ड वो आते हैं आपके लेजर प्रिंटर्स, इनको बोलते हैं पेज प्रिंटर, यानी ये एक बार में एक पूरे पेज को ही प्रिंट कर सकते हैं। जो आपके लेजर प्रिंटर हैं इसमें आपका एक लेजर बीम सोर्स होगा
एक मल्टी साइडेड मिरर होगा आपका, एक फोटो कंडक्टिव आपका ड्रम होगा और एक होगा टोनर, जिसके अंदर आपके टाइनी जो है सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो इंक होती है आपकी ओपोजिटिवली चार्ज जो इंक होती है। तो अगर इसमें बात करें वर्किंग प्रिंसिपल की, तो ये आपका पेज आ गया। सबसे पहले जो आपकी लेजर होगी उसके थ्रू जो है इसमें जो भी आपका प्रिंट होना है वो हो जाएगा, वो एरिया इसका चार्ज हो जाता है। उसके बाद जो आपका जितनी भी इंक है या टोनर है वो स्टिक हो जाती है इंक इसके ऊपर, जो भी चार्ज एरिया हो जाएगा उसके ऊपर स्टिक हो जाएगी। तो थर्ड स्टेप में जो है एक हीट मैकेनिज्म के थ्रू, हीट और प्रेशर के थ्रू वो परमानेंटली उसके साथ फ्यूज हो जाती है। ये बहुत ही आपका फास्ट, अभी की बात करें सबसे फास्ट है आपका लेजर प्रिंटर। तो इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत हाई है। इसकी जो 600 से 1200 DPI डॉट्स पर इंच इसकी क्वालिटी है। अगर बात करें इस अदर्स की, इसके अदर फीचर की, तो सब काफ़ी ज़्यादा आपके स्पेशल करेक्टर्स, डिफरेंट साइज के प्रिंट ग्राफिक्स को आपका ये प्रिंट कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी आपकी लिमिटेशन नहीं है कि कोई ब्रश चलना है या फिर कोई इसके साथ स्ट्राइक करनी है, पिन्स हैं। ये बेसिकली जैसा एरिया आपका चार्ज होगा वैसा ही आपको प्रिंट कर देगा। मोस्टली जो लेज़र प्रिंटर हैं वो होते हैं आपके ब्लैक एंड वाइट, लेकिन कलर वाले भी अवेलेबल हैं। स्पीड की बात करें, जो लो स्पीड है वो 4 से 12 पेज जो है एक मिनट में प्रिंट कर सकते हैं, जबकि जो बड़े ही हाई स्पीड है वो 500 से 1000 पेजेस तक भी प्रिंट कर सकते हैं। और ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, प्रिंटर जो है वो महंगा पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो इसका कम पड़ता है। ये देख सकते हैं आप एक लेज़र प्रिंटर, जो आपकी फोटोकॉपी मशीन होती है सेम वे में आपका लेज़र प्रिंटर आ गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो आगे आते हैं आपके प्लॉटर्स। प्लॉटर्स जो होते हैं वो भी बेसिकली प्रिंटिंग डिवाइस हैं, लेकिन ये प्रिंटर्स नहीं होते हैं। ये भी आपके आउटपुट डिवाइस हैं जिसका यूज़ करते हैं आर्किटेक्ट, इंजीनियर, आपके सिटी प्लानर्स हो गए, या फिर जो भी आपके गवर्नमेंट, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इसका काम है बेसिकली कि जो भी आपका ग्राफिक डाटा है, अगर आपको बहुत बड़े साइजेस में या हाई क्वालिटी में आपको या फिर प्रॉपर स्केल में चाहिए, तो यूज़ करते हैं आपके प्लॉटर्स। क्योंकि प्रिंटर्स जो हैं आपके, उनकी एक लिमिटेशंस हैं कि वो मैक्सिमम आपको A4 तक, A3 तक ही आपके प्रिंट कर पाते हैं। इसमें आते हैं पहले आपके ड्रम प्लॉटर, और दूसरे आते हैं इसमें फ्लैट बेड प्लॉटर। इसको हम देखेंगे आगे थोड़ा सा, इसको हम इमेज के थ्रू देखते हैं आपका। ये आगे आपका ड्रम प्लॉटर, इस यहाँ पे जो है एक आपका ड्रम होगा, उसके अंदर जो आपकी शीट होगी वो आपकी रोल्ड होगी, और यहाँ पे एक आपका पेन होगा जो डिजाइनिंग पेन है। जैसे जैसे ये पेज यहाँ से नीचे को आपका रोल कूदता जाएगा, नीचे को चलता जाएगा, पेन से इसके ऊपर ड्रॉ होता जाएगा। इसमें जो है आपका पेपर जो है वो आपकी मूवमेंट करता है। जबकि बात करें फ्लैट वेड प्लॉटर, इसमें जो है पेपर आपका फिक्स रहेगा, जो आपका पेन है आपका, पेन अपनी मूवमेंट करेगा आपके डिजाइन के हिसाब से। आगे बात करें, इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका 3D प्रिंटर्स। तो 3D प्रिंटर्स यूज होते हैं आपके 3D प्रिंट लेने के लिए। जैसे जो पीछे प्रिंटर्स थे वो आपको किसी पेज के ऊपर प्रिंट दे सकते हैं, लेकिन किसी चीज की कॉपी नहीं बना सकते। जैसे 3D ऑब्जेक्ट आपके पास कोई गिलास है या कोई बहुत अच्छा मोन्यूमेंट है, कोई मूर्ति है, तो उसकी कॉपी नहीं बना सकते, इसलिए आए आपके 3D प्रिंटर्स। तो ये यूज़ करते हैं आपकी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। एडिटिव यानी कि ऐड करना, एक होती है आपकी एडिटिव और एक होती है आपकी सब्सट्रैक्शन जो है, यानी कि जो आप बात करें तो एक जैसे कोई भी आपका कारीगर है वो किसी चीज़ को काट कर जो है आपका उससे कोई भी शेप निकाल लेता है, तो वो होती है आपकी जो है आपकी सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक होती है। फिर बात करें जो एडिटिव है, इसमें क्या है आपका, कोई भी एक आपने पार्ट बनाया, फिर उसके ऊपर दूसरा ऐड किया, तीसरा ऐड किया, जिसमें आपकी वेस्टेज कम हो। तो अगर इसके मेथड की बात करें तो सबसे पहले जो है इसका 3D डिजिटल फाइल बनाते हैं, जो ऑटोकैड या जो भी सॉफ्टवेयर है। उसके बाद जो है उसको जो है हॉरिजॉन्टली जो भी है आपकी फाइल उसको हम काफ़ी ज़्यादा लेयर्स में काट देंगे, जैसे स्टेप वाइज उसके हिस्से कर देंगे। उसके बाद जो है स्टेप बाय, जैसे ये आपकी है, इसको जो हमने ऐसे को 1000 या जितने भी आप कर सकते हैं उतने हिस्सों में काट दिया। उसके बाद सबसे पहले नीचे वाला पहला हिस्सा प्रिंट होगा, उसके बाद दूसरा वाला हुआ, फिर तीसरा हुआ, चौथा, वो तो ऐसे छोटा छोटा करके आप उसको प्रॉपर
शेप दे सकते हैं। अगर बात करें इसमें टेक्नोलॉजीज की, तो इसमें होते हैं आपकी मेनली चार मेथड हैं आपके इसमें। एक आता है आपका फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्टीरियोलिथोग्राफी एसटीएल, और एक है आपका डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग डीएलपी, और आगे आपका सिलेक्टिव लेयर सिंटरिंग एसएलएस। इसमें हम जो है अभी एफडीएम को मेनली देखेंगे। बाकी जो ये है इसमें क्या है कि आपका जो है अलग अलग मेथड यूज होते हैं आपके। तो अगर बात करें इसमें जो स्टीरियोलिथोग्राफी है, ये भी बेसिकली इसकी तरह ही वर्क करता है। और जो आपका डाटा लाइट प्रोसेसिंग है, इसमें जो है आपका मटेरियल को आप जो है कहीं पे भी आप उसको प्रिंटिंग के लिए आप डालेंगे, और लाइट के थ्रू, एक सेंसिटिव लाइट के थ्रू जो है उसको सोलिडिफाइड कर देंगे। और जो आपका सिलेक्टिव लेयर सिंटरिंग है, इसमें बेसिकली जो है अलग अलग मटेरियल आपके यूज होते हैं, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है कोशिश करें कि उसके थ्रू 3D ऑब्जेक्ट्स आपके प्रिंट कर सकें। और ये जो है इनमें आपका जो है बेसिकली आपके पास जो है मटेरियल है उसको ये मेल्ट करेंगे हीट के थ्रू, और जब वो अपनी प्रॉपर शेप ले लेगा उसके बाद जो है वो सोलिडिफाइड हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें इसके यूजेज की, तो इसका यूज है आपका प्रोटोटाइपिंग में, यानी किसी की हूबहू कॉपी बनाना। जो आपका कस्टमाइज डिजाइन है उसमें, इंजन या बॉडी पार्ट्स बनाने में, जो आपके इम्प्लांट्स हैं और प्रोस्थेटिक्स हैं उसमें, जो आपके हेयरिंग एड्स जो हैं, और जो डेंटल अप्लायंसेस यानी मेडिकल लाइन में, जो आपके म्यूजियम सोवनेर्स हैं, यानी जो म्यूजियम में जो कोई भी पुरानी कलाकृति या कोई रखे हुए मूर्ति उसकी कॉपी बनाने के लिए। बात करें आपके फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग की, जो होता है आपका FDM, तो ये आ गया आपका सप्लाई रेल, ये आ गया आपका फिलामेंट यानी मटेरियल जिससे आपको प्रिंट करना है, ये नोजल के थ्रू जो है, ये आ गया आपका हीटिंग मैकेनिज्म, इसके थ्रू जो है जैसे इसके थ्रू जाएगा और यहाँ पे हीट होके जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और आप इसको शेप या ये सॉरी ऑटोमेटिकली शेप देता है इसको। जो हैंड हेल्ड आते हैं कई, उसको आपको शेप देनी पड़ती है। इसको जो भी आपने शेप दी होगी उस तरह से इसको यहाँ पे रखता जाएगा, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सॉलिड होता जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने सभी ने देखा होगा, तो ये एक आउटपुट डिवाइसेज है जिसके थ्रू आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो भी चल रहा है उसको आप एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर शो कर सकते हैं। तो इसका यूज़ होता है आपका प्रेजेंटेशन को बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए। किसी ऑडियो को, वीडियो को, इमेज को, एनिमेशन को आप हाई क्वालिटी में और बड़े पर्दे ऊपर दिखाने के लिए, जैसे आपका जो मूवी थिएटर्स हैं वहाँ पर भी आपका प्रोजेक्टर यूज़ होता है। ये देख सकते हैं आप, ये आ गया आपका प्रोजेक्टर, ये आपके ऑपरेशन बटन्स आ गए, इंडिकेटर आ गया, और ये आ गया आपका प्रोजेक्शन लेंस। इसके थ्रू जो है आपका पूरा जो भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है वो आप सामने दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, यानी आपको जो है आउटपुट मिलेगा वॉइस के थ्रू आउटपुट मिलेगा। ये बेसिकली आपकी हेल्प करते हैं कंप्यूटर को यूजर से टॉक करने के लिए। इन्हें कहा जाता है ऑडियो रिस्पॉन्सिव डिवाइस, जो ऑडियो आउटपुट आपका प्रोवाइड करते हैं। इसमें आते हैं आपके दो टाइप के, सबसे पहले आते हैं आपके वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम, दूसरे आते हैं स्पीच सिंथेसाइजर्स। इसको हम देखेंगे, तो पहले जो वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ये जो है ऑडियो आउटपुट आपका प्रोड्यूस करेंगे, जो हमारा प्री रिकॉर्डेड ऑडियो रिस्पॉन्स, यानी इसमें जो है कुछ प्री रिकॉर्डेड आपके रिस्पॉन्सेज होंगे, उसके थ्रू आपको आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे आप कॉल करते हैं, तो कॉल में क्या है आपको आगे से अगर कोई पर्सन बिजी है तो आपको ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड आता है कि द पर्सन इज बिजी, या होल्ड पे है तो होल्ड पे है, जो ये ऑटोमेटिक आपको रिस्पॉन्स देते हैं, तो ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन्स बोलते हैं इनको। वीडियो गेम्स में है उसमें भी ऑटोमेटिक आपको रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे आप किसी गेम खेल रहे हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको बोलेगा यस, या फिर जो भी आपके अंदर वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम है। तो आगे बात करें तो आपके आते हैं स्पीच सिंथेसाइजर्स, इनका काम है आपका टेक्स्ट को जो आपके स्पोकन सेंटेंसेस हैं उनमें कन्वर्ट करना डिजिटली। तो इनका यूज़ होता है आपका रीडिंग आउट टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई पर्सन जो है आपका पढ़ नहीं सकता है उसके लिए सबसे हेल्पफुल है आपका स्पीच सिंथेसाइजर, यानी आप कोई भी आपकी टेक्स्ट फाइल है
उसको आप स्पीच सिंथेसाइजर के थ्रू कंप्यूटर उसको अपनी अपने उसमें वॉइस में आपको पढ़ कर देगा। ये जो है उन पर्सन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो बात नहीं कर सकते हैं, तो अपना मैसेज सिंपली टाइप कर सकते हैं, तो वो एक आपकी वोकल फॉर्म में आ जाएगा और नेक्स्ट पर्सन उसको सुन सकता है और समझ सकता है। और इसका काम है आपका एक लैंग्वेज में लिखे हुए डाटा को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर। तो इस लेक्चर में हमने जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थे, आपके प्रिंटर्स थे, आपका मॉनिटर का कंसेप्ट आ गया, जितने भी टाइप के आपके जो स्कैनिंग डिवाइसेस थे, आपके जो रीडर्स थे, प्रिंटर्स आ गए आपके, इसके अलावा जीयूआई का कंसेप्ट देख लिया। बात करें इसमें हमने जितने भी आपके MICR, मॉनिटर, माउस, प्लॉटर्स, प्रिंटर्स, आपके क्वालिटी कीबोर्ड, जितने भी आपके बेसिक टॉपिक्स थे आपके इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, उस सबको हमने कवर कर लिया। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं आगे भी कोशिश करूंगा इम्प्रूव करने की अपने लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।